जी अस्सलाम वालेकुम हबीब अजीमी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? जैसे कल आपको बताया था कि हम दोबारा अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हमारा जो फर्स्ट वर्कआउट है वो है शोल्डर। हैवी किस्म का इंशाल्लाह वर्कआउट आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं कदीर भाई, वो इंशाल्लाह आपको परफॉर्म करके बताएंगे, और गेम मैं बताऊँगा। तो जिम की मसरूफियात की वजह से आपको मैंने बताया था कि काफ़ी दिन में लाइव नहीं आ सका, तो आज इंशाल्लाह वर्कआउट शुरू करते हैं। जी चलें, ये पहला वर्कआउट आपको बताते हैं। जी हमारी जो फर्स्ट गेम है वो है शोल्डर प्रेस, यानी कि डंबल प्रेस, शोल्डर डंबल प्रेस। तो ये आपने नाइस एंड स्लो, वही 3 सेट्स, 10 से 12 रेपिटेशन, ऊपर बिल्कुल स्लो, नीचे बिल्कुल स्लो आने, ताकि आपका डेल्ट पे पूरा फोकस आए। ये देख रहे हैं आप, पूरा डेल्ट इसका पम्प हो रहा है इस टाइम। ये इसके वही 3 सेट्स, 10 से 12 रेपिटेशन, ये ओके। जी हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है लेटर राइजेस, देख सकते हैं आप, वही 3 सेट्स, 10 से 12 रेपिटेशन, नाइस एंड स्लो, फोकस ऑन योर डेल्ट, डेल्ट पे आपने पूरा काम करना है, अच्छे से फोकस करना है। ये वही 3 सेट्स, 10 से 12 रेपिटेशन, ये चीज़, वही 3 सेट्स, 10 से 12 रेपिटेशन, ओके। जी हमारा जो फोर्थ वर्कआउट है, ये डंबल आपने ले लेने अपने हिसाब, जितना भी आप वेट एडजस्ट कर सकते हैं इजीली, 12 रेपिटेशन आपकी इजीली लगने चाहिए, इतना आपने वेट उठाना है। ये डंबल ऊपर की तरफ पुश कर, नीचे बिल्कुल स्लो, ऊपर स्पीड में जाना है, नीचे बिल्कुल स्लो, जैसा ये देख सकते हैं आप, ऊपर स्पीड में, ये नीचे बिल्कुल स्लो फोकस। इस पे आपका जो कहते हैं ट्रैप से भी आएगा थोड़ा, और डेल्ट पे भी आएगा, ये चीज़, फ्रंट डेल्ट ये हो गया, और ट्रैप से इसके साथ फोकस करना है टोटली, ऑल ऑफ ऑल ओवरऑल शोल्डर पे, मतलब डेल्ट भी और ये ट्रैप्स भी, ओके। जी हमारी शोल्डर मुकम्मल हो चुकी है, अब हम लगाते हैं ट्रैप्स। ट्रैप्स की जो फर्स्ट गेम है, ये गर्दन नीचे कर लेनी है, और जितना आप वेट उठा सकते हैं इजीली, यानी कि ईगो वेट नहीं आपने उठाना कि आप 25 वाला 30 वाला डंबल उठाएं, इजी जो आप वेट उठा सकते हैं वो उठाना है। ये पुश करना है, मतलब ऊपर, ये गर्दन नीचे की तरफ करके, और ये नीचे बिल्कुल स्लो, नाइस एंड स्लो, ये टोटली फोकस जो आ रहा है ट्रैप्स पे आ रहा है। ये वही 3 सेट्स, 10 से 12 रेपिटेशन, कोशिश करेंगे 15 रेपिटेशन भी लगा लें, लेकिन ईगो वेट बिल्कुल नहीं लगाना, नॉर्मल जितना आप वेट लगा सकते हैं उतना ही लगाना है। जी हमारा जो लास्ट वर्कआउट है वो है ट्रैप्स का, मतलब दो हमने ट्रैप्स ही करनी थी, 4 शोल्डर की। ये बैक हमारा ट्रैप्स, गर्दन नीचे करके वही रॉड पे, आपने फ्री रॉड भी लगा सकते हैं और स्मिथ मशीन पे भी लगा सकते हैं इसको। ये वही गर्दन नीचे, टोटली स्ट्रेस आना चाहिए आपका ट्रैप्स पे। ये बाजू आपने सीधी रखनी है, बाजू आपकी बैंड ना हो बिल्कुल भी। ये नाइस एंड स्लो, बिल्कुल 3 सेट्स, 10 से 12 रेपिटेशन, कोशिश करें रेपिटेशन ज़्यादा भी लगाएं, लेकिन ईगो वेट बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये था आज का हमारा शोल्डर वर्कआउट, शोल्डर एंड ट्रैप्स वर्कआउट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कआउट सीरीज़ में, जो भी हमारी होगी डेली हिसाब से हम करते रहेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट वर्कआउट था शोल्डर एंड ट्रैप्स का था, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, तो इंशाल्लाह अब जो होगा हमारा वर्कआउट इंशाल्लाह डेली आया करेगा, डेली बेसिस पे। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी वीडियोस से इंजॉय करवा सकें। हमारी जो वीडियोस होती हैं मोटिवेशनल होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस पॉडकास्ट आती है हमारी, फिटनेस मोटिवेशन वगैरह, मतलब फिटनेस से रिलेटेड ही हमारा, हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड हमारा जो है टोटली वही काम है हमारा, हेल्थ एंड फिटनेस, मतलब हम लोगों को एक गलत चीज़ से निकाल के एक अच्छी तरफ लेकर जा रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब स्टूडियो, हम यहाँ की सेटिंग हो रही है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, तो ओवरऑल हम काम यहाँ भी इंशाल्लाह किया करेंगे। फ्लैशर वगैरह आए हुए हैं, प्रिंटर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, फ्यूल बार की इंशाल्लाह सेटिंग हो चुकी हुई है, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा काम अभी हो रहा है। तो ओपनिंग इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर शेयर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।